न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। एक बड़ी खबर पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम बूदी से है, जहां पर एक 38 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों से घर की छत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मग कायम कर जांच में लिया है। थाना प्रभारी आर के लोवंशी ने बताया कि मृतक के बालक की सूचना पर मग कायम कर लिया गया है। मृतक व्यक्ति के बालक किशोर ने पुलिस को बताया कि दोपहर में पिताजी ने घर के अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। मैं और मेरा छोटा भाई विक्रम और मेरी माता जहां भाई, हम सब मेरे पिताजी को जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। मेरे पिता कुछ बोल नहीं रहे थे, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। इसके बाद दरवाजा खटखटाया तो अंदर से दरवाजा खुला गया और अंदर देखा तो पिताजी ने घर के छत पर पंखा टांगने की कड़ी में वायर का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फांसी के फंदे से नीचे उतारकर पिलाया, लेकिन जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मृतक के बालक की सूचना पर मकम कर जांच में लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने मृतक व्यक्ति का नाम शांतिलाल, पिता मकरान, उम्र 38 साल, निवासी नरगावे फलिया बूदी का होना बताया है। हाँ, अभी थाना पाटी पर सूचनाकर्ता किशोर पिता शांतिलाल द्वारा सूचना किया कि उसके पिताजी शांतिलाल घर में अकेले थे। 12 बजे के लगभग उसकी माँ और वो सभी लोग बाजार करने गए थे, और जब बाजार करके वापस आए तो घर का दरवाज़ा बंद लगा हुआ पाया गया। उन्होंने काफ़ी दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से दरवाज़ा लगा होने के कारण शांतिलाल ने कोई आवाज़ नहीं दी। उन्होंने छत से जा करके देखा तो जो किशोर उसके पिताजी शांतिलाल जो घर में जो छत से पंखा है उस पर तार की हकड़ी लगा कर फांसी पर लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया है, और जो भी आगे तथ्य आते हैं जाँच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।